हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हो थैंक यू वाइन. वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर वंस अगेन. माई सेल्फ डॉक्टर अंशु मल्होत्रा. अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है फेसबुक एंड इंस्टा पे, यू कैन फॉलो नाउ. आई प्लीज सब्सक्राइब. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नए चैनल पे, इस चैनल पर लाते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एंड टेक जो मैं यूज़ करता हूँ. तो दिस इज़ वीडियो रिगार्डिंग M30S रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसमें आप चाहते हैं कि मैं आपको बेस्ट बैक कवर बताऊँ. और ग्लास के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो ग्लास का पहले आपको क्लियर कर दें कि जो ग्लास है आप सबसे सस्ता लगाएं अपने फ़ोन पे, क्योंकि ग्लास चाहे आप महंगा लेंगे, ग्लास मतलब जो आगे वाला कवर होता है M30S का, ये 50 रुपये का भी लग जाता है. और अगर आप इसको ऑनलाइन देखेंगे तो आपको 1000 रुपये का भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर मोबाइल सेट. जो सेलर्स हैं इसको बदल देते हैं प्राइस को, वैसे 5 से 10 रुपये में ये बन जाता है. जो ये लिखा होता है सब बकवास है कि NH, 9H, 10H. थोड़ा सा फ़र्क जो जिसमें होता है वो मैं बताता हूँ. क्वालिटी का फ़र्क होता है, कई थोड़े स्मूथ होते हैं, कई थोड़े रफ होते हैं. तो मैं आपको बताऊँगा कि आप मार्केट में जाएँ, जो ये डीलर्स होते हैं मोबाइल वाले, उनके पास अच्छी क्वालिटी का सस्ता टिकाऊ मिल जाता है, तो आप वहीं से जाके लगवा लें. क्योंकि फंडा ये है कि ये जो कवर्स होते हैं ग्लास वाले, इनका काम ये होता है कि ये फूटें और इम्पैक्ट ले लें. अगर ये फूटेंगे नहीं, जो ये कहते हैं 9H 10H, ये जो बकवास मारते हैं, तो उसका फिर वो रहता नहीं. मेन जो इसका आइडिया है ना, ये ग्लास प्रोटेक्टर लगाने का, यही है कि जब हमारा फ़ोन नीचे गिरे तब ये जो ऊपर वाला हमने कवर लगाया ये फूट जाए और ये इम्पैक्ट सारा ले ले और हमारी स्क्रीन बच जाए. तो ये तो होगी ग्लास की बात, सिंपल एंड टू द पॉइंट कि ग्लास आप जो मर्जी लगा लें, सस्ते सस्ता लगाएं, ये मेरी पर्सनल आपसे रिकमेंडेशन है. अब मैं आपको बताता हूँ बैक कवर्स के बारे में. बैक कवर्स की बहुत डिमांड आ रही थी. अब मैं देखिए, बैक कवर्स जो आते हैं मार्केट में, सभी आपको मैं लिंक दे दूंगा. मैं बेसिकली जब मैं यूज़ करता हूँ कवर्स, जैसे ये आईफोन है, दिस इज़ फ्लैगशिप फ़ोन, तो इसमें पीछे जो है कांच है, तो इसको बचाने के लिए अब मुझे शो नहीं चाहिए, इसमें मुझे चाहिए प्रोटेक्शन. तो उस हिसाब से मैंने बहुत ही महंगा कवर, ये अराउंड स्पाइजन का है, अराउंड 1000 रुपये का कवर है. बट इसमें मुझे क्या मिल रहा है, मुझे इसमें प्रोटेक्शन मिल रही है. ज़रूर इससे मेरा फ़ोन मोटा लग रहा है, हालांकि बहुत कम्पैक्ट और स्लिम फ़ोन है, लिए चढ़ाने से ये थोड़ा मोटा और चौड़ा लग रहा है, लेकिन ये मुझे पूरी प्रोटेक्शन दे रहा है और थोड़ा सा डिज़ाइन भी आ गया. तो दो तरह से आपके, अब ये फ्लैगशिप का मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि फ्लैगशिप में आपको चाहिए होती है प्रोटेक्शन. तो जिसके पास फ्लैगशिप फ़ोन है वो कभी भी स्टाइल के पीछे ना जाए. अगर आप स्टाइल के पीछे जाएंगे तो आप, क्योंकि पीछे कांच है, स्टाइलिश पतले वाला ले लेंगे, फूट जाएगा, पीछे से भी टूट जाएगा फ़ोन गया. तो जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं उनके लिए आप हमेशा ब्रांडेड जगह पर, ब्रांडेड जैसे स्पाइजन के आते हैं और भी कई ब्रांड्स के आते हैं और थोड़े महंगे आते हैं, वो कवर लें, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी. इसमें ये चारों तरफ इसमें गद्दा टाइप दिया हुआ है ताकि इसके बम्पर, अगर ये, और ये थोड़ा उठा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, स्क्रीन इसके नीचे है, तो अगर ये नीचे पड़ता भी है और इसके ऊपर प्रोटेक्शन भी नहीं होती ना, तो इसकी स्क्रीन ज़मीन से नहीं लगती. तो ये साइंटिफिकली थोड़ा डिज़ाइन किया जाता है ताकि आपका फ़ोन सेफ रहे. तो ये तो बात हो गई प्रोटेक्शन के लिए. अब M30S पे बात करते हैं. M30S में भी इस तरह से 3 कैटेगरीज हैं. एक है जो आपको रियल प्रोटेक्शन देगी, मतलब जैसे मैंने ये बताया फ्लैगशिप वाला, पर वो थोड़ा आपके फ़ोन को मोटा बना देगी. तो जो लोग शोबाजी में नहीं लगे हुए, वो चाहते हैं कि टिकाऊ सॉलिड प्रोटेक्शन उनको मिले, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन सा वो कवर है, और उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा. चलिए दिखाते हैं. तो दिस इज़ द फ़ोन. अब ये फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है, तो मिड सेगमेंट में है. मिड सेगमेंट में आपको ये 300 रुपये का मिल जाएगा, और ये आपके फ़ोन को थोड़ा मोटा बना देगा लेकिन आपको प्रोटेक्शन पूरी देगा. तो जो लोग चाहते हैं कि उनके फ़ोन को प्रोटेक्शन मिले ज़बरदस्त तरह की, मैं गिर गया तो कोई टेंशन ना हो, तो वो तो ये लें द गिफ्ट कार्ड का. इसका मैंने लिंक दे दिया है नीचे, मैंने लिंक में लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट बैक कवर. तो ये 300 रुपये का, इसका लिंक मैंने आपको दे दिया, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं अगर आपकी चॉइस है सिर्फ प्रोटेक्शन. अब हम आपको दिखाते हैं जो कि सबसे सिंपल, जिसमें आपका फ़ोन का कवर दिखेगा और सबसे ज़्यादा बिकने वाला, वो है ये. तो ये कई तरह का आते हैं, वाओ, इमेजिन, सैमसंग गैलेक्सी M30S, शॉक प्रूफ वगैरह बता चुके हैं. ये इतना आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा, बस इसमें आपको थोड़ा स्क्रैचेस से आप बच जाएंगे और
एक पूरा ट्रांसपेरेंट कवर आपको मिल जाएगा। एजेस पे इन्होंने ज़रूर कुछ थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि एजेस बचे रहें, बट ये आपका सबसे सिंपलेस्ट और सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया ऑप्शन आपको बताऊंगा। तो ये मैंने इसका लिंक भी नीचे दे रखा है, तो आप जाकर ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा है ये। अब मैं आपको बताता हूँ वो जो बिल्कुल स्टाइलिश स्टाइल चाहिए उनको, सिर्फ स्टाइल से मतलब फ़ोन थोड़ा बच भी जाए और थोड़ा स्लिम लगे, तो उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो मुझे लगा है वो है ये, दिस वन। ये आपको थोड़ा फैब्रिक लुक पीछे से देता है जो कि बहुत ही स्टाइलिश एंड बहुत ही बढ़िया लगती है सी। एंड इसका प्राइस है 299। अब इसमें आप प्रोटेक्शन भूल जाएं क्योंकि ये इतनी अच्छी आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा, पर आपको स्टाइल बहुत अच्छा देगा। तो स्टाइल लवर्स के लिए, फैशन लवर्स के लिए दिस इज़ द बेस्ट चॉइस। इसमें एक और कैटेगरी आती है थोड़ा जो स्टाइल के साथ आपको थोड़ा सा बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। इसमें देखिए स्लिमनेस में रहेगा ये, और आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन ये बेटर देगा, तो उसके साथ आपका प्राइस भी बढ़ जा रहा है। दिस इज सबसे महंगा जो अब तक है 500 रुपये के आसपास आपको मिलेगा ये वाला, तो इसका भी मैंने लिंक आपको दे दिया। और नीचे मैंने जिस तरह से सीक्वेंस में आपको मैं बता रहा हूँ, इसी सीक्वेंस में आपके नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ कवर्स जो मैंने आपको बताए, तो जैसी आपकी चॉइस है, अगर आपकी प्रोटेक्शन है तो नंबर वन लें, अगर आपका स्टाइल में जाना चाहते हैं तो स्टाइल में मैंने आपको जो मुझे पसंद लगे, जो मुझे सबसे अच्छे लगे, जो कि बेस्ट हैं और नए हैं और स्टाइलिश हैं, वो मैंने आपको बता दिए। तो वो ये रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो अब आपको पसंद आया होगा वीडियो, जिसको पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर आपके पास कोई और भी चॉइस है या और भी चाहते हैं किसी अलग तरह का वीडियो मैं M30S पे बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम M30S से और तो वो भी बताएं, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है तो ज़रूर तारीफ़ करें फ़ोन की, ताकि पब्लिक का हेल्प हो जाए। पब्लिक में बहुत नेगेटिव चीज़ें, कईयों का होगा एक दो सेट्स में प्रॉब्लम, तो वो एक दूसरे को देख देख के गंदा है नेटवर्क प्रॉब्लम, मेरे फ़ोन में ना हीटिंग प्रॉब्लम है, मेरे फ़ोन में ना बैटरी की प्रॉब्लम है, मेरे फ़ोन में ना नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मेरा फ़ोन 2 दिन से ज़्यादा बैकअप मुझे दे रहा है, सब कुछ है इसके अंदर। बेस्ट फ़ोन ऑफ 2019 इन मिड रेंज, और मुझे सैमसंग ने कोई पैसा नहीं दिया ये तारीफ़ करने के लिए, ये अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो जो जो सोच रहे हैं लेने के लिए ज़रूर जाके लें। ओ आपको पसंद आएगा वीडियो, थैंक यू वेरी मच, हिट लाइक एंड शेयर, थैंक यू।